फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, ठीक है, विनय कुमार की तरफ से। उन्होंने कमेंट करके पूछा है कि 712 mm पाइप का ओडी है तो उसका बेंड कैसे बनाएंगे 90 डिग्री में, तो वही मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। तो पाइप का ओडी है 712 mm और 90 डिग्री में बनाना है हमें, और उसको तीन कट में बनाना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हमने उसको जो है हाफ ओडी निकाला हुआ है, मतलब कि उसका जो आधा डाया जो होगा उसको निकाला है, तो 356 आया हुआ है और ये 16 सेंटर लाइन में हम इसको बनाएंगे, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है, आधा ओडी इंटू 10 डिग्री डिवाइड नंबर ऑफ कट इंटू 2। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट मतलब होगा कि एक और जो फॉर्मूला होता है CF इंटू डिग्री डिवाइड 360 नंबर ऑफ कट इंटू 2, उससे क्यों नहीं बताते हैं। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंट है वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। तो ये इसका डिफरेंट जब आप जानोगे तो आप जो है खुद ही इस फॉर्मूला का यूज करना पसंद करोगे, ठीक है। तो फिलहाल चलिए देखते हैं इसको। तो हाफ ओडी के जगह पे हमने यहाँ पे 356 रखा हुआ है, ये वाला, ठीक ना, जो उसका आधा है, 712 का आधा है वो हमने यहाँ पे रखा है। उसके बाद इंटू 10 90 डिग्री, उसके बाद डिवाइड नंबर ऑफ कट, तो यहाँ पे तीन कट में बनाऊंगा मैं, उसके बाद इंटू 2, ठीक है। तो 356 के जगह पे 356 ही है, उसके बाद इंटू 10 90 डिग्री और 3 और 2 को गुना करने पे 6, उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे 356 इंटू 10 90 को 6 से जब हम डिवाइड देंगे तो 15 आएगा, तो वही 10 15 डिग्री हमने लिखा हुआ है। तो दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 95.38 mm, ठीक है। ये हमारा पहला कटबैक हो गया, ओके। तो 16 सेंटर लाइन में बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक 22.5 डिग्री का एक कटबैक निकालना पड़ेगा, एक 45 डिग्री का, एक 67 डिग्री का और 90 डिग्री का, ये ऑलरेडी हमारा निकल चुका है, ओके। तो 67 डिग्री का निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट कटबैक इंटू साइन 22.5 डिग्री। तो पहला कटबैक है हमारा कितना, ये वाला 95.38, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटू साइन 22.5 डिग्री, तो हमारा आंसर आ गया 36.50। ये 22.5 डिग्री वाला कटबैक है, ओके। उसके बाद 45 डिग्री का कटबैक है यहाँ पे, तो उसका भी फॉर्मूला यही है, फर्स्ट कटबैक इंटू साइन 45 डिग्री। तो फर्स्ट कटबैक हमारा है 95.38, सेम यही वाला, इंटू साइन 45 डिग्री। तो उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 67.44 mm, ओके। उसके बाद हमें यहाँ पे निकालना है 67.5 डिग्री का, तो उसका कटबैक निकालने के लिए हमें यहाँ पे वही फॉर्मूला हमने यूज किया, फर्स्ट कटबैक इंटू साइन 67.5 डिग्री। तो फर्स्ट कटबैक की जगह पे सेम वही रखा है मैंने, 95.38 इंटू साइन 67.5 डिग्री। तो उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 88.11 आएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे जो एक और यहाँ पे काम आपको करना है, वो आपको यहाँ पे निकाल लेना है उसका मिडल पीस, ठीक है। तो मिडल पीस यहाँ पे कैसे निकालोगे, तो उसका फॉर्मूला है ओडी इंटू 10 डिग्री इंटू 2। तो ओडी की जगह पे 712 है, 10 15 डिग्री मतलब ये वाला, ठीक है, और इंटू 2। तो वो करने के बाद आपका आंसर आएगा 381.55, और उसके बाद आपको एक निकाल लेना है साइड पीस जो कि है 190 mm, ओके। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। तो जो हमने यहाँ पे जो 16 सेंटर लाइन में बनाने के लिए जो चार कटबैक निकाला है, 1 2 3 और एक ये वाला, तो वो कैसे होता है वो जरा यहाँ पे समझाता हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको एक काम करना है, 360 डिवाइड 16, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22.5, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, ये मान लीजिए हमारे पास पाइप है और इसमें हमें यहाँ पे 16 सेंटर लाइन में ऐसे जब इसको डिवाइड करेंगे तो जैसे देखिए 2 तो देख सकते हैं, ये भी 16 सेंटर लाइन में हमने इसको डिवाइड किया है, ओके। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। अब सब में आपको क्या करना है, 22.5 22.5 प्लस करते जाना है, तो 45 और 22.5 हो जाएगा 67.5, तो इस तरीके से डिग्री रहेगा पाइप में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसका मार्किंग का वीडियो देखना है तो आप जो है आई बटन पर क्लिक करके मार्किंग वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने जो है डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे इसमें मार्किंग करना है।